अनशन के कारण 63 दिन भूखे रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। जन्म 1904 कोलकाता में हुआ। बचपन में ही माता का निधन हो गया। इन्हीं के बनाए गए बम को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली में फेंका था। इन्हें भगत सिंह के साथ जेल में बंद कर दिया गया। कैदियों की दशा देखकर 13 जुलाई 1929 को अनशन शुरू किया। शुरुआत में केवल पानी पीकर रहे थे। जेल अधिकारी ने जब यह देखा तो वह उनको पानी में गोली मिलाकर देने लगा। फिर उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया। यह राष्ट्रीय मुद्दा बना। अंग्रेजों ने जबरन नली से दूध पिलाने की कोशिश की। इसी कोशिश में दूध फेफड़ों में चला गया। फिर भी वह भूखे रहे। फिर 13 सितंबर 1929 को कुल 63 दिन हो गए थे। फिर जितेंद्र नाथ दास जी की मृत्यु हो गई। ऐसे वीर को मेरा सच्चा नमन।